आज दुनिया भर में वैलेंटाइन डे मनाया जा रहा है, लेकिन ये वैलेंटाइन डे है क्या चीज, कब से शुरू हुआ और मुस्लिम ममालिक में किन किन जगहों पर मनाया जाता है? इन तमाम सवालों के जवाब मैं दूंगा आपको इस वीडियो में। ये वैलेंटाइन है क्या भला? वैलेंटाइन किसी का नाम है या कोई खास मखसूस सोच के मुताबिक इसका नाम रखा गया? वैलेंटाइन असल में एक पादरी का नाम था जिसे रोमन सल्तनत में एक बादशाह ने कत्ल करा दिया था, अपनी जेल के अंदर मरवा दिया था। अब उसकी वजह क्या थी? रोमन बादशाह के नजदीक गैर शादीशुदा अफराद सिपाही के लिए ज्यादा मौजू है, इसलिए उसने शादी पर पाबंदी लगा दी और वैलेंटाइन ने अपनी कोशिशों से कुछ जोड़ों की चोरी छुपे शादी करवा दी, यानी कि उस बादशाह के खिलाफ, उसके हुक्म के खिलाफ जाकर उनकी शादी करवा दी। एक बात तो ये ज्यादा मशहूर जो है वो ये बात है, बहुत सारी बातें हैं, मेरे ख्याल में 14 किस्से जो हैं वो इस वैलेंटाइन से मखसूस है, लेकिन सबसे ज्यादा जो तारीख में बताया गया है जो मैंने पढ़ा अभी तक, वो यही किस्सा बताया गया है कि वैलेंटाइन एक पादरी था जिसे बादशाह ने मरवा दिया था, जिसके बाद उसके नाम से वैलेंटाइन डे मनाना शुरू हुए। 13वीं से 14वीं सदी में वैलेंटाइन डे मनाया गया, लेकिन 18वीं सदी में इंग्लैंड के अंदर सबसे पहले ये दिन मखसूस किया गया और बाद में इंग्लैंड से होता हुआ अमेरिका और पूरे यूरोप में फैल गया। इस वक्त सबसे ज़्यादा जो वैलेंटाइन डे मनाया जाता है वो फ्रांस में मनाया जाता है, और इसके अलावा अमेरिका, यूरोप जितना भी है उसमें ज़्यादातर यूरोप में ही मनाया जाता है, लेकिन आसपास जितने ममालिक हैं, जैसे हम नकल करने वाले ममालिक हैं, इंडिया हो गया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, यहाँ भी मनाया जाता है। मुस्लिम ममालिक में से इंडोनेशिया, पाकिस्तान, सऊदी अरब और ईरान में वैलेंटाइन डे नहीं मनाया जाता। पाकिस्तान में काफी अर्सा कबल वैलेंटाइन डे को हराम करार देकर बंद कर दिया गया था हाई कोर्ट के हुक्म के मुताबिक, लेकिन आज भी अगर आप इस्लामाबाद जाएं, बड़े बड़े होटलों में जाएं, जहां बाज़ औक़ात तो हमें जाना अलाउ भी नहीं होता, वहां जाएं तो आपको वैलेंटाइन डे मनाते हुए एक कबूतर और एक कबूतरी जरूर मिलेंगे। दूसरी बात, पाकिस्तान में आज योम हया मनाया जा रहा है। बहुत से स्कूल्स, यूनिवर्सिटी, जिसमें से आप देख सकते हैं पेशावर मेडिकल यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी और रिफर यूनिवर्सिटी में आज हया डे मनाया जा रहा है, और एक लेटर इशू हुआ है जिसके मुताबिक लड़कियां जो हैं वो हिजाब करके आएंगे और लड़के जो हैं वो सफ़ेद टोपी करके यूनिवर्सिटीज़ में दाखिल होंगे। अब वैलेंटाइन डे में होता क्या है? असल वैलेंटाइन डे में होता ये था कि जो पादरी वैलेंटाइन था वो दो जोड़ों की शादी करवा दिया करता था, जो जोड़े आपस में शादी करना चाहते थे, उसमें मखसूस ये होता था कि वो आपस में जो मोहब्बत करते थे वो उनकी शादी करा के मियाँ बीवी को उनका रुतबा दे देता था। लेकिन अब ये सवाल पैदा होता है कि क्या अब वैलेंटाइन डे में ऐसा होता है? अब वैलेंटाइन डे में आपको पता है क्या होता है, फूल पेश किए जाते हैं, लेकिन फूल पेश किए जाते हैं और फूल पेश करने के बाद दो लोगों का जब मिलाप होता है, उस वैलेंटाइन डे के बाद जो इंसान इस दुनिया में जन्म लेता है वो आपको कचरा कुंडी या फिर रोड पे मिलता है। आजकल वैलेंटाइन डे ऐसे मनाया जाता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन के बटन जरूर दबाइएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।